क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोगों को मेरी बदतमीजी दिखती है लेकिन इसकी बदतमीजी नहीं दिखती। ये किस तरीके से बिहेव करता है आपकी बेटी से, कैसा मिसबिहेव करता है ये? क्या कह रहे हो, जरा साफ साफ बोलो ना, क्या कहना चाह रहे हो रोमिल? रोमिल बोलो ना, क्या बोल रहे हो, साफ साफ बोलो बेटा। आज जो भी तुमने देखा प्लीज मम्मी या किसी और को मत बताना, इट्स अ रिक्वेस्ट। व्हाटएवर। अधिक रोमिल क्या कह के क्या है? वो बकवास कर रहा था। अरे उसने देख लिया होगा पाकी और अधिक रूम में कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे, हस्बैंड वाइफ है, कुछ बोल रहे होंगे एक दूसरे को और उसने मिस इंटरप्रेट कर लिया। यहाँ पे आकर कह रहा है कि झगड़ा कर रहा है, कैसे बात करता है, बकवास कर रहा है वो, है ना पाकी? हाँ शी इज राइट, वो गुस्से में रोमिल कुछ भी बोल रहा था। अच्छे खासे मुंह का सत्यानाश कर दिया इस लड़के ने। मेरे बेटे ने, तुम्हारे भाई ने। मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम कब से परमिशन लेके बोलने लगी बरखा? अरे एक मिनट। अरे रोमिल को संभालने से पहले, इन दोनों को समझाने से पहले आप दोनों को समझने की ज्यादा जरूरत है। रोमिल को संभालने के लिए पहले उसकी उलझन को तो समझिए, उसके डर को समझिए, उसके गुस्से की वजह समझिए। भाभी मैं आपसे नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ भी कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, लेकिन अगर भाई उसे समझा रहे हैं तो आप उन्हें कोशिश तो करने दीजिए ना। ये जो हालात है, ये हालत कोई नहीं चाहता कि उनके परिवार में हो, लेकिन अब हो गया है तो क्या करें? एक 16-17 साल के बच्चे को सड़क पे छोड़ दे? भाई ने जो किया है बहुत 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 गलत किया है, लेकिन इसमें उस बच्चे की क्या गलती बाबी? परिवार अगर साथ छोड़ते तो कैसा लगता है ये आप और अधिक अच्छी तरह से जानते। तब आपके पास अधिक था और अधिक के पास आप थी, लेकिन रोमिल, रोमिल के पास तो कोई भी नहीं है, वो बेचारा तो बिल्कुल अकेला है। अगर उसे डांट के समझाने की जरूरत है तो उसे समझने की भी जरूरत है। भाई मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि रोमिल को कॉम्पेंसेट करने के लिए उसकी गलत बातों में हां मत मिलाइए। जब आपको लगता है कि वो गलत कह रहा है, गलत जा रहा है, उसे डांटिए, समझाइए, टोकिए। आप ऐसा कर सकते हैं, यू आर हिज फादर। और अनुज और मैं हजारों बार कह चुके हैं कि इस घर में शांति रखते हैं ने? आप लोग प्लीज मेरे पेशेंस को अब और ज्यादा टेस्ट मत कीजिए। हर चीज का एक लेवल होता है, मेरे पेशेंस का भी एक लेवल है, क्योंकि अब अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, आप तीनों को मैं पैकिंग करने का टाइम भी नहीं दूंगा। एंड आई मीन इट। काव्या लो थोड़ी सी खिचड़ी। नहीं नहीं प्लीज, नहीं नहीं नहीं। काव्या तू जरा ज्यादा खाना खाया कर, तू जो खाएगी वही बच्चे को पहुंचेगा। वनराज जरा इसे समझा कि ढंग से खाना खाए। बस प्लीज कैंसिल बस। बाप वो एक्चुअली भी अपने काम में इतना बिजी रहता है ना कि उसे अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता। काम करने का मतलब ये तो नहीं ना कि अपनी बीबी और बच्चे को ही भूल जाए। अरे तोशु बेटा वो कुरकुरी भिंडी देना। बा ये वाली कुरकुरी भिंडी आपने बनाई है ना, बहुत स्वाद बनी है पता, मैं खाते ही समझ गया था। मैं तो भिंडी के चक्कर में दो चार रोटियां और खा गया। बहुत भूख लगी, कुछ खा लेते हैं। भिंडी बनी है ले लो। नो थैंक्स, आपका एहसान नहीं चाहिए। चार भिंडियों के लिए 400 बातें सुनाएंगे। डिम्पी समर को भिंडी पसंद है इसलिए कह रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि मम्मी ने मना किया था कि राशन सबका अलग होगा, लेकिन हमारे घर में कोई भी ये सारी बातें सोचता नहीं है इसलिए पूछ रहे हैं। वैसे भी हम खाना हमेशा एक्स्ट्रा ही बनाते हैं, अगर कोई बाहर का आए तो भूखा ना जाए। और तुम दोनों तो, हम तो कुछ भी नहीं है, होते तो ये नौबत नहीं आती। यहाँ तक नौबत हम नहीं तू लेकर आई है,
सॉरी समर, वो अभी किचन सेटअप नहीं हुआ ना, इसलिए आज बाहर से खाना पैक करवा के रहे हैं। प्लीज आज के दिन थोड़ा एडजस्ट कर लो। बैठो, ये कोल्ड सैंडविचेस है, बहुत यम्मी, ये लो लो, अरे खाओ। यार डिनर में कोल्ड सैंडविचेस कौन खाता है, कुछ और ले आती। तुम्हें तो पता है ना मैं ये सब नहीं खाता। बोलो, ये पति की ना पसंद पसंद कुछ नहीं पता। समर क्यों मेरी इंसल्ट करवा रहे, बाकी सबको लगेगा मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखती। अरे एक दिन की बात है, खा लो, क्या बिगड़ जाएगा। साथ रहकर खुश रह सकते हैं, फिर भी पता नहीं लोग क्यों अलग अलग रहकर दुखी होना चुनते हैं। अच्छा तुमने ठीक से खाया नहीं और अब गुस्से में खाओगे नहीं, तो इसलिए फ्रेश फ्रेश जूस लेकर आई हूं। ठीक है, यहां रख देती हूँ, बाद में पी लेना। रहने दीजिए, मैं अपने आप कर लूंगा। हाँ करना ही चाहिए, तुम अभी बड़े हो, समझदार हो, तो तुम्हें तो आता ही होगा अपना कमरा कैसे साफ रखते हैं, अपनी चीजें जगह पर कैसे रखते हैं, है ना? तो तुम ये यहाँ क्यों है? Are you trying to be funny or what? गंदे इसलिए यहाँ पड़े ना? हाँ तो गंदी है तो धो दो। सॉरी आप मुझे धोने बोल रही हैं? इस कमरे में कोई और है जिसे कहूंगी? अब ये तुम्हारा ही है तो तुम ही धोगे ना? मैं अपने कपड़े खुद नहीं धोता हूँ, लॉन्ड्री में दे दो ना। लॉन्ड्री में ये कपड़ा? अरे जा अबे, ये कपड़े तो खुद के खुद धोने चाहिए। देखो धोना तो तुम्हें ही है, अब कब धोना है ये तुम्हारी मर्जी, आज धोगे कल धोगे या फिर यही गंदे कपड़े दो तीन बार और पहनने के बाद दोगे, तुम्हारी मर्जी। ये सब की आदत नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? तो आते टाल लो बेटा, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। याद है जब लॉकडाउन हुआ था तब कैसे सबको आदत डालनी पड़ी थी अपना अपना काम खुद करने की, इसलिए आदत टाल लो, दो लेना। हाँ आजकल तुम सब बच्चे वो वाइब वाइब ऐसा करते रहते, वो क्या उसका मतलब? एनर्जी। हाँ एनर्जी 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 तो ऐसे बहती रहनी चाहिए ना, फ्लो होती रहनी चाहिए। हाँ, सो सो अगर ये कमरा ऐसा ही गंदा रहेगा, ऐसे ही कचरा यहाँ पर पड़ा रहेगा, तो तेरी एनर्जी जो है ना वो अपने आप ये सब देख के खुदकुशी कर लेगी। आंखों की पुतलियां घुमा ले। वो कैसे बता? तीन तीन बच्चे बड़े किए, बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके शादी तक, और एक को तो बाप बनने के सफर तक देखा है मैंने और अभी भी देख रही हूँ। तो मैंने खबर छे कि इस उम्र में बच्चे बड़ों की बातें सुनकर आंखों की पुतलियां ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं। आप लोग तो जैसे टीनेजर्स की सारी बातें गौर से सुनते हो ना, इवन यू डू द सेम। हाँ बराबर, सही कह रहे हो, गलती दोनों तरफ से है, दोनों को एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए। दो कदम तुम चलो तो दो कदम हम चलेंगे,
तब जाके तो ये चार कदम का जो फासला है वो तय होगा ना। अच्छा सुनो, एक डील करते हैं। नाश्ते में तुम्हें जो कुछ भी खाना है, जो कुछ भी खाना है तुम्हें वही मिलेगा। मतलब तुम मुझे नाम बता देना और मैं तुम्हें वो बना के दे दूंगी, और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ सच्ची। लेकिन दोपहर का खाना और रात का खाना मेरे हिसाब से होगा, मतलब सब्जी दाल रोटी चावल ऐसा सब। और सुनो, रोज ये नहीं खाना पड़ेगा, मतलब एक दिन मैं अपने बच्चों के लिए बर्गर डे रखती हूँ और एक दिन पिज्जा डे, तो वो दोनों दिन बर्गर और पिज्जा मिलेगा लेकिन मेरे हाथ का बनाया हुआ। लेकिन बाकी दिन दाल चावल वगैरह खाना पड़ेगा, ठीक है? देख बेटा, जानती हूँ तेरे लिए यहाँ सब कुछ नया है, परिवार के साथ रहना नया है क्योंकि तू कभी रहा नहीं है, इसलिए मुश्किल है पर कोशिश करनी पड़ेगी एडजस्ट करने की, है ना? जैसे अभी तू नए कॉलेज में जाएगा, वहां तेरे नए नए दोस्त बनेंगे, वो भी तो नए होंगे ना, उन्हें भी तो पहले से जानता नहीं होगा, तो क्या तू उन पे भी बात बात पे गुस्सा करेगा? क्या तू उनसे भी झगड़ा करेगा हर बात पे? नहीं नहीं, देख तेरे पापा तुझे मैं उनका बेटा हूं, वो मेरे पापा नहीं है। जब उन्होंने कभी पापा होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई तो वो पापा कैसे हुए? मैं यहां पर उनके साथ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मेरे पास ना कोई चॉइस नहीं थी। माय मॉम तो डिसोन्ड मी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, आज तक ना कभी कॉल करके नहीं पूछा कि बेटा कैसा है, कहां पे है, क्या हुआ तुझे। और ये सो कॉल्ड पापा, ये ना सिर्फ बिजनेस ट्रिप पे आते थे मिलने मुझसे, गिफ्ट लेके ढेर सारे कंपनसेट करने। अरे गिफ्ट देने से फीस भरने से कोई पापा बन जाता है क्या? पापा की जरूरत थी तब तो वो थे नहीं, ना उंगली पकड़ के चलाया, ना कंधे पे बिठाकर दुनिया दिखाई। एनुअल डे पे, स्पोर्ट्स डे पे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे कभी नहीं आए। मेरे जो दोस्त थे ना वो हंसते थे मेरे पे कि तेरे पापा तो इनविजिबल मैन है, कभी दिखते ही नहीं है। मुझे किसी की सिंपति नहीं चाहिए, पता नहीं मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं। आप प्लीज जाइए, लीव मी अलोन, अपने फैमिली ड्रामा से ना मुझे दूर रखिए। मैं जो हूं जैसा हूं फेस पे हूं, आपके सन इन लॉ की तरह नहीं, पीछे कुछ और सामने कुछ और, फेक कहीं का। नाउ लीव मी अलोन। मम्मी, वो मैं रोमिल को देखने आई थी। I said leave me alone. Thank God रोमिल ने मम्मी को नहीं बताया, लेकिन अब मैं मम्मी को क्या बोलूं? क्या सोच रही है? नहीं कुछ नहीं मम्मी, वो रोमिल ने ठीक से कुछ खाया नहीं है ना, मैं खाने के लिए कुछ भिजवा देती हूँ। स्वीट, आह क्या बोलती पब्लिक, अपन लग रहा ना एकदम उफ उफ बोले तो उफ। अरे अनु तुम तो घायल हो गई। नहीं नहीं,
तुम तो घायल हो गई। एक्चुअली अनु, हमारा ध्यान किस तरफ है? एक्चुअली मैं मिस्टर तलवा की पार्टी में जा रहा हूँ। हमारे क्लाइंट भी हैं और मेरे बहुत पुराने अजीज दोस्त भी हैं। इनफैक्ट उनकी वाइफ तुमसे बहुत टाइम से मिलना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि अनु, क्या हो गया अनु, क्या सोच रही हो तुम? सॉरी, हमने तय किया था कि हम अपने परेशानियों को अपने आप पे हावी नहीं होने देंगे, लेकिन सॉरी। इट्स ऑल राइट अनु, तुम सॉरी क्यों कह रही हो? मैं जानता हूं कि तुम रोमिल ने जो किया उसको लेके परेशान हो, या कोई और बात है जो बताना चाहती हो? शाह परिवार में यहाँ एक के बाद कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मैं ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग बिल्कुल सुन हो गया है। मैं समझ सकता हूँ, अक्सर जिंदगी ऐसे चौराहे पे लाके छोड़ देती है जहाँ कहीं पर समझ नहीं आता कि मन क्या करे, दिल क्या कहे, दिमाग क्या सोचे, समझ नहीं आता कि हम कैसे रिएक्ट करें। रोमिल, वो बेचारा बच्चा बहुत तकलीफ में है, उसके दर्द का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सच में जब अपना ही परिवार आपको पराया महसूस कराए, जब अपने ही घर में आप पर कोई भी ध्यान ना दे, जब अपने ही लोगों से अपनापन न मिले, तो कैसा लगता है? मैं जानती हूँ, शादी के बाद मैं भी रही हूँ अपने ही घर में पराई बनकर, पूरे परिवार से ऐसा लगता था अलग ही हूँ, तो इसलिए मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ। उसके साथ सही नहीं हुआ है, ना उसके पिता ने उसके साथ सही किया, ना ही उसकी माँ ने उसके साथ सही किया, दोनों ने भी अपना फर्ज नहीं निभाया है, तो ऐसे में बच्चे के मन में कड़वाहट तो भरेगी ना। इस उम्र में बच्चों को सबसे ज्यादा अपने माता पिता की जरूरत होती है, वैसे तो और उम्र में होती है, मुझे तो अभी भी मेरी माँ के बिना नहीं चलता, लेकिन इस उम्र में सबसे ज्यादा होती है। और इस उम्र में जब उसे कोई अपना चाहिए था, तब उसकी माँ उसे ऐसे ही छोड़कर किसी और के साथ चली गई, ना उसे माँ का प्यार मिला, ना पिता का प्यार मिला, इसलिए उस बच्चे को ना तो पता है कि अपनापन क्या होता है, प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है, उसे कुछ पता ही नहीं, और तो और उसे अपना दुख तक बांटना नहीं आता। मुझसे बेहतर कोई और क्या समझेगा ना। एक्चुअली जब मॉम और डैड मुझे आश्रम से हमारे घर लेकर आए थे, तो उन सब ने तो मुझे बहुत प्यार दिया था, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं मुझे घर में सेटल होने में, उस घर को अपना मानने में थोड़ा वक्त तो लगा ही था। आई कैन अंडरस्टैंड। और हाँ, आज जो हुआ ने उसमें रोमिल की कोई गलती नहीं थी, अधिक ने उस पर पानी फेंका था। What? हाँ, मैंने देखा था ने, अधिक ने जानबूझकर उस पर पानी गिराया था। तुमने फिर मुझे, मैं उस वक्त क्या सबके सामने, भाभी और अधिक समझ क्यों नहीं रहे? एक तो वैसे ही वो नई जगह में है लड़का, वो उसको बुली कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। I really don't know why. पता है मुझे घबराहट हो रही है कि कुछ और भी है जो हम देख नहीं पा रहे। ऐसा क्या है? पता नहीं, पर मेरा मन कह रहा है कि कुछ तो है। स्वीटी और अधिक को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है ये मेरा वहम हो, पर ये भी तो हो सकता है कि ये मेरा शक सही हो। एक मिनट अनु, जो अभी रोमिल ने तुमसे कहा, तुम कहीं इस वजह से तो ये नहीं सोच रही? कई बार पति पत्नी का रिश्ता दुनिया के सामने कुछ और बंद कमरे में कुछ और होता है। देखने को तो पाकी और अधिक के बीच में ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है,
लेकिन राज वो लैपटॉप वाली बात वो ये देखो ना, बेचारी ने कितनी मेहनत करके सारा काम कंप्लीट किया था, बेचारी की सारी मेहनत बेकार हो गई। और फिर रोमिल का पैसा कहना, ये किस तरीके से बिहेव करता है आपकी बेटी से, कैसा मिसबिहेव करता है ये? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। अजीब तो मुझे भी लग रहा है ना। एक्चुअली पाखी उस वक्त कुछ ज्यादा ही घबराई हुई दिख रही थी। मैंने उसे देखा, मैं उस वक्त तो कुछ बोला नहीं, मुझे लगा कि वो लैपटॉप उसके हाथ से टूट गया है इसलिए थोड़ा डर गई होगी। और फिर अभी रोमिल ने कहा ना कि That's what you are, double faced. अधिक सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।